देखिए महागठबंधन है क्या, आप जरा सोचिए ये लोग क्यों एक साथ है? एक ही कारण से एक साथ, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर अलग अलग लड़ेंगे तो सब साफ हो जाएंगे। इनका जनाधार है ही नहीं, वो थोड़ा जनाधार है, जानते हैं कि ये सब के सब हारेंगे। दोनों एक दूसरे के साथ देखते नहीं है, एकदम बिल्कुल दुश्मनी है भयंकर। मायावती जी के साथ सपा वालों ने क्या किया, कोई भूल गया क्या? या मायावती जी भूल जाए भले, लेकिन कोई और भूला है क्या? है कोई कर्म छोड़ा था सपा वालों ने, अब जा चले गए कि हाँ साहब साथ हो जाएं। जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं एक साथ हो जाते हैं, ताकि भैया वैसे तो हम लोगों को एकदम बिल्कुल मोदी जी की जो आंधी है उड़ा ही ले जाएगी, एक दूसरे के पकड़ करके रखिए ताकि कहीं बच जाए। ये बा महागठबंधन, आ सोची के बा महागठबंधन में आपका की इतिहास बा, चोरी चमारी घुसखोरी के उत्तर प्रदेश में की हाल रहे हैं, चाहे समाजवादी सरकार चाहे मायावती जी के सरकार, कितना भ्रष्टाचार था कोई उत्तर प्रदेश वाले से जाकर के पूछ लीजिए आप। वो अब आजकल नेता बन रहे हैं मायावती, ये क्या नाम है पश्चिम बंगाल में ममता जी, जाकर के पूछिए तो वहाँ पर जो गुंडागर्दी का चरम सीमा है वो आप कहीं दूसरे प्रांत में नहीं देखिएगा। वो गुंडे लोगों को पालती है, उसको पैसा देती है सरकार का पैसा क्लब के नाम पर। अब वही गुंडा अगर कोई काम होगा, जैसे यहाँ काम हुआ ना, तो वही आ जाएगा क्लब उसको कहता है, आ जाएगा कि हमनी के मिले के चाहिए ठेका, आ ठेका में पैसा कमहियन, आ काम जो हो तो ये जो ओवर ब्रिज वगैरह तो गिरवे करता है, आप लोग देखते हैं ना, ये कोलैप्स हो गया वो कोलैप्स हो गया, आ लेकिन वो है उनका गुंडा लफेल। ये ममता जी बात, ये सब नेता है भाई, जरा सोचिए कि इसमें कौन कैसा है।